नमस्कार बच्चों, आप सभी स्वस्थ एवं कुशल एवं प्रसन्न होंगे। आप सभी बच्चों के लिए मैं कनक लक्ष्मी आपके समक्ष बाल महाभारत कथा लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा सातवीं के लिए है ये। हमने इस बाल महाभारत कथा में कुंती को पढ़ लिया था, कुंती पाठ को पढ़ लिया था, और उसमें हमने क्या देखा था कि कुंती का एक पुत्र होता है और उस पुत्र को वह गंगा में बहा देती है। यहाँ तक की कथा हमने सुन लिया था। आज मैं भीम के बारे में पढ़ाऊंगी। भीम पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सार बताना चाहूंगी। भीम पांडवों में से एक, पांडु के जो पांच पुत्र हैं उनमें से एक है भीम, युधिष्ठिर के भाई, अर्जुन के भाई जो है वो भीम है। और भीम जो है वो शक्तिशाली है बचपन से। जब ये पांचों पांडव हस्तिनापुर लौट आते हैं, उनको देखते ही जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हैं, कौरव उनको देखना ही नहीं चाहते थे, बचपन से ही उनका बैर था। तो भीम जो है अक्सर कौरवों को छेड़ा करते थे, क्योंकि वो बलशाली थे, वो अक्सर खेल के दौरान में उनको छेड़ते थे और उनको परेशान किया करते थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि चलो इस भीम का काम ही तमाम कर दिया जाए। एक दिन उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि चलिए हम जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा का क्या अर्थ है कि गंगा किनारे जाकर के हम तैरने का प्रोग्राम बनाते हैं, या तैरने का जो कार्यक्रम है इसको हम निश्चित करते हैं। तो सभी लोगों ने, सभी छोटे बच्चे थे तो सभी बच्चों ने मिलकर के ये सोचा कि चलो आज जाकर के हम गंगा किनारे, वहाँ पर बालू होती है, वहाँ पर पत्थर होते हैं, वहाँ पर पानी होती है, तो उस पानी में खूब खेलेंगे आज, और वहीं पर छोटा सा एक पिकनिक जैसा मनाएंगे जिसमें कि वहीं खाना पीना, वहीं रहना, थोड़ी देर वहीं सोना, सब कुछ हम करेंगे। तो ये योजना बना करके कौरव जो है ये योजना बनाते हैं कि अब जो है मैं भीम का खात्मा कर दूंगा या भीम का काम तमाम कर दूंगा। यह सोच करके ये सारे बच्चे प्रोग्राम बनाते हैं और जाकर के उस गंगा किनारे पर खेलते हैं। सभी बच्चे बहुत देर तक पानी में तैरते हैं, खेलते हैं, उसके बाद भोजन करने बैठते हैं। जब भोजन परोसा जाता है तो दुर्योधन ने क्या किया कि भीम का जो भोजन है उसमें विष मिला दिया। सभी लोग भोजन खाए तो भीम जो है वो खाता भी बहुत था, तो उसे भी बहुत प्यार से खिलाते गए, वो बहुत खा चुका था। उसके बाद बच्चों ने बहुत खेला था, इसलिए जाकर के अपने अपने डेरे में जाकर के वो सो गए। भीम वहां तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि भीम जो है देर तक खाता रहा, बाकियों ने खा लिया तो जाकर के सो गए। भीम खाता रहा, खाने के बाद जब उठ करके चलने लगा तो वह गंगा के किनारे ही, वह बालू में ही वह गिर गया। वह अपने डेरे तक या अपना जो कुटिया है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया। जब दुर्योधन को यह पता चलता है कि अब इसको नशा बहुत चढ़ गई है, क्योंकि इसको विष का नशा बहुत ज्यादा हो गया है, तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर के उसके पैर जो है लताओं से बांध दिया। वहां रस्सी तो नहीं होगी, तो उन्होंने पेड़ की जो लताएं हैं उससे उसके हाथ और पैर बांध दिए और गंगा में उसे फेंक दिया। और सभी लोग हस्तिनापुर लौट आए खुशी खुशी कि अब तो भीम का खात्मा हो गया, अब भीम से हमें कोई डर नहीं है, और अब जो है हम युधिष्ठिर को, अर्जुन को, सबको जो है बंदी बना करके हम कैदी बना सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि पूरा जो राज्य है वो हमारा होगा। क्योंकि ये शुरू से ही लोभी थे कौरव, तो वो ये नहीं चाहते थे कि पांडु को या पांडु के जो पुत्र हैं पांडव, उनको किसी प्रकार का एक भी राज्य उनको मिले। वो चाहते थे कि पूरा जो राज्य है सब कौरवों के पास रह जाए। युधिष्ठिर जब उठे तो देखे कि हमारा भाई नहीं है, अर्जुन भी देखे कि भीम नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी भाई मिलकर, चारों भाई मिलकर के पांचवें भाई जो भीम है उसको ढूंढते हैं, पूरे जंगल में छान मारते हैं, गंगा के किनारे जाकर के ढूंढते हैं, कहीं उन्हें नहीं मिलता है। तब वो निराश होकर के महल को लौट आते हैं। जब महल को लौट आते हैं उसके बाद वो देखते हैं पीछे मुड़ के, तो क्या देखते हैं कि भीम गिरता पड़ता जो है वो चला आ रहा है। और जैसे ही भीम को वो देखते हैं,
दौड़ करके आकर के उसके गले लग जाते हैं और कुंती जो उनकी माता है वह भी उनके गले लग जाता है। जो भीम है, भीम उन्हें परेशान करता है, भीम से उन्हें डर है क्योंकि भीम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए वो भीम को खत्म करना चाहता है। जैसे ही कुंती को यह पता चल जाता है तो कुंती जो है विदुर को बुलाती है, विदुर जो कि धृतराष्ट्र के सेनापति, उनको बुला करके उनसे कहती है कि अब जो है ये जो कौरव है वह मिल करके मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हैं। तो विदुर कहते हैं, विदुर बहुत ही राजनीतिज्ञ उनको आती है तो वो राजनीति के तौर पर कहते हैं कि अब तुम्हें अगर पता चल गया है तो तू शांत रह, क्योंकि अगर इस बात को तुमने प्रकट किया तो अब और भी वैर बढ़ जाएगा, वैर का मतलब दुश्मनी और बढ़ती चली जाएगी और वो सामने से वॉर करने लगेंगे। इसलिए जब आपको पता चल गया है कि जो दुर्योधन है वह भीम को मार डालना चाहता है या इन पांचों भाइयों के पीछे पड़ा हुआ है तो शांत हो जाओ, यह कहता है विदुर और कुंती भी शांत हो जाती है। जब वो देखती है कि पांचों पुत्र सही सलामत है वह भी शांत हो जाती है। अब देखते हैं हम पाठ में क्या लिखा है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। तो क्या है कि ये जो पांडव हैं और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं सभी बच्चे जो है वो मिलकर के, क्योंकि ये बच्चे जो है वन में थे, वन में रहने के बाद जब पांडु का मृत्यु हो जाता है उसके बाद ये हस्तिनापुर आते हैं तो इनके साथ मिलकर के सारे बच्चे 100 कौरव और 5 पांडव जो है सब मिलकर के एक साथ खेलते हैं। और खेल में बलशाली होने के नाते, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने के नाते भीम जो है वो कौरवों को हमेशा खेल में तंग किया करता। इस वजह से जो है कौरव परेशान हो जाते। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे, इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। बच्चे खेल खेल में ही द्वेष पाल लेते हैं। द्वेष के मतलब क्या है कि कोई बच्चा अगर आगे आगे जाता है तो बाकी बच्चे जो है वो सोचते हैं कि ये आगे क्यों जा रहा है। तो इसी तरह का द्वेष हमारे मन में नहीं होना चाहिए जिस प्रकार का द्वेष दुर्योधन के मन में था। बच्चों, दुर्योधन और उसके जो भाई है उनके मन में भीम और जो पांडव हैं उनके प्रति बहुत ही द्वेष की भावना थी, क्योंकि बचपन से ही दुर्योधन का यह मन में था कि वह पूरा राज्य का वही जो है वो राजा बनना चाहिए, क्योंकि उसके पिता जो है वो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र जो है आंखों से अंधे हैं तो उनके बाद जो है पूरा राज्य उन्हीं को मिले। अब जब पांडव आ गए हैं, वन से जब पांडव आ गए हैं तो इनको ऐसे लगने लगा कि अब पांडव भी आ गए हैं तो जो भी राज्य है उसका आधा भाग हो जाएगा, तो आधा पांडव को चला जाएगा, आधा जो है वो कौरव हो जाएगा। और पांडव जो है गिनती में कितने हैं, 5 हैं और कौरव जो है गिनती में 100 हैं, तो 100 में जो राज्य बटेगा वही जो है ये 5 भाइयों में बटेगा, तो बहुत कम इनको मिलेगा। इसीलिए यह जो है दुर्योधन के मन में घर कर गया था कि हम पांडवों को किसी तरह से इस राज्य से निकाल बाहर करें। तो इन्होंने, सारे भाइयों ने मिलकर के क्या योजना बनाई कि
भीम को किसी तरह से हम नशा कराते हैं और नशा कराने के बाद गंगा में के पानी में डुबो देते हैं, क्योंकि भीम को बिना नशा कराए ये उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही बलशाली है। और एक बात क्या है कि जब ये बच्चे सभी जो है मिल करके कृपाचार्य के पास अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए जाते थे, क्योंकि ये राजा के पुत्र हैं तो ये अस्त्र शस्त्र सीखने जाते हैं, उसमें भी पांडव जो है वो सबसे आगे निकल जाते हैं और कौरव पीछे रह जाते हैं। तो पीछे रहने के कारण इनके मन में जो है बहुत घृणा की भावना आ गई इनके प्रति, पांडवों के प्रति। अब इन्होंने योजना बना लिया कि अब भीम को जो है किसी तरह से नशा कराते हैं और नशा कराने के बाद उसके हाथ पर बांध करके उन्हें गंगा में फेंकाते हैं। एक जल क्रीड़ा का जो प्रोग्राम है उसे तय कर दिया कि अब जो है हम जल क्रीड़ा करेंगे और जल क्रीड़ा करने के बाद जो है हम वहां पर इसे नशा कराएंगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। दुर्योधन ने क्या किया, बचपने में भी वो बहुत ही शातिर था, उसका दिमाग ऐसा था कि किसी को भी कैसे मार डालना चाहिए। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर के एक जल क्रीड़ा का प्रोग्राम जो है वो तैयार किया, ऐसा एक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें कि सभी बच्चे जाएंगे और जाकर के गंगा तट में जाकर के नहाएंगे और वहीं खाना खाएंगे। तो पांडवों को जो है उन्होंने न्योता भेजा। न्योता का मतलब क्या है कि उनको आने का आमंत्रण भेजा। जब आमंत्रण भेजा गया तो पांडव जो है वो क्षत्रिय है, वो किसी भी बात को इनकार नहीं करते हैं। तो वो बच्चे भी आ गए, पांडव भी आ गए और सभी ने मिलकर के गंगा किनारे जाकर के खूब खेला। इतना खेला, इतने पानी में तैरे कि वो थकने लगे। अब जब थकने लगे तो भोजन का प्रबंध कर दिया गया। जब भोजन लगाया गया तो भीम जो है वो जितना शक्तिशाली है उतना ज़्यादा भी खाता है, तो वह धीरे धीरे खाता ही गया और उसके सारे भाई जो है युधिष्ठिर अर्जुन सब खा करके वो निकल गए और बगल ही में उनका डेरा था, उस डेरे में जा करके वो सो गए। क्यों सो गए, क्योंकि वो थके हुए थे और भोजन खाते ही उनको नींद आ गई और वो जा करके सो गए। लेकिन भीम को तो भोजन में विष मिला दिया गया था, उस विष से उसको ऐसा नशा छाने लगा कि वह अपने डेरे तक पहुंच ही नहीं पाया और बीच में ही वह गंगा किनारे बालू पर ही वो गिर करके बेहोश हो गया। जैसे ही दुर्योधन और उसके भाइयों ने देखा कि अब जो है यह बेहोश हो चुका है, तब उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वहां पड़ी हुई जो लताएं हैं लताओं से उनके हाथ और पैर बांध दिए और ले जा करके गंगा में डुबो दिया और वो चलाए। डुबोने के बाद दुर्योधन ने क्या किया, इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोच कर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जगे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है, पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है।
तो क्या है, जैसे ही वह दुर्योधन और उसके भाई जो है भीम को पानी में डुबो देते हैं, गंगा किनारे ले जाकर के उसे डुबो देते हैं, तो वह भी बहता हुआ गंगा के साथ ही वह चला जाता है भीम, क्योंकि उसके हाथ और पैर जो है वो जकड़े हुए थे, क्योंकि उनको बेलों से जो है उस लता जो है लता से उन्हें बांध दिया गया था। जब युधिष्ठिर जगे तो जगने के बाद वो क्या देखते हैं कि चार भाई बचे हैं, एक भाई दिख नहीं रहा है, भीम दिख नहीं रहा है, तो सभी भाई मिलकर के चारों ढूंढते हैं, सारे जंगल ढूंढते हैं, और जहाँ पर खेले थे वो, जहाँ पर तैरे थे पानी में, वहाँ सारे जगह ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद भी भीम उन्हें नहीं मिलता है, तो निराश होकर के महल की ओर लौट आते हैं। जब महल पहुंचते हैं तब वो क्या देखते हैं पीछे मुड़कर कि भीम जो है वो झूमता झामता जो है नशा में चूर जो है वो आ रहा है। जैसे ही उसे देखते हैं तो कुंती उनकी माँ और ये जो चारों भाई है जाकर के भीम को गले लगा लेते हैं, और कुंती को समझते देर नहीं लगती है कि यह काम किसका है, यह काम दुर्योधन का है। और जैसे ही यह भाप लेती है माँ, तो वो किसको पुकारती है, विदुर को पुकारती है, विदुर जो कि धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुला करके वो कहती है कि दुर्योधन जो है दुष्ट है और वो जरूर ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरे बच्चों को क्षति पहुंचा सकता है या भीम को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो जो राजनीति में बहुत ही कुशल विदुर हैं, वो क्या कहते हैं कुंती को कि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन इसकी जानकारी किसी और को ना पता चलने दिया जाए, इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, इसको जैसे ही तुम प्रकट करोगे सबके सामने में, दुर्योधन की निंदा हो जाएगी, और जैसे ही निंदा होगी, निंदा का मतलब क्या है कि उसकी बेइज्जती होगी, और जैसे ही बेइज्जती होगी तो उसका द्वेष और उसका क्रोध जो है वो और अधिक हो जाएगा, किनके प्रति, पांडव के प्रति। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, उससे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। युधिष्ठिर देखते हैं कि भीम जो है वो बहुत उत्तेजित है, बहुत क्रोध में है, और वो कहता है कि आज मैं दुर्योधन को मार डालूंगा सामने से जा करके। तो युधिष्ठिर अपने भाई भीम को समझाते हैं कि नहीं भाई, अभी वो समय नहीं आया है, अभी समय सिर्फ इतना है, क्योंकि हम बहुत छोटे भी हैं, इसलिए अभी समय इतना ही है कि हम पांचों भाई एक दूसरे को किसी भी मुसीबत से बचाते हुए चले, जब समय आएगा तब हम उनको बताएंगे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। भीम को जब वो जिंदा पाए सामने, तो देख करके दुर्योधन का जो हृदय है वो उसमें और ज़्यादा जलन हो गई, और ज़्यादा वह जलने लगा कि मैंने इतना यत्न किया, इतना प्रयत्न किया, मेरे भाइयों ने मिलकर के, हमने मिलकर के इतना प्रयत्न किया, फिर भी हम भीम को मार ना सके, इससे उसके जो द्वेष है, द्वेष और अधिक बढ़ने लगा पांडवों के प्रति। इस भाग में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम समझते हैं बच्चों। पहला है द्वेष, द्वेष का अर्थ है जलना। दूसरा नंबर सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है सदा। तीसरा नंबर प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। चौथा नंबर फूला ना समाना, फूला ना समाना का अर्थ क्या है, बहुत खुश हो जाना। पांचवा नंबर विलक्षण, विलक्षण का अर्थ है अनोखे, अनोखे का विलक्षण प्रवृत्ति के, अलग अलग प्रवृत्ति के, अनोखे प्रवृत्ति के, ठीक है, अजीब सा उनका प्रवृत्ति है, उसको कहेंगे विलक्षण। छठा नंबर है उत्तेजित, उत्तेजित का अर्थ है जोश में। सातवां नंबर है जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का अर्थ है पानी में तैरना या खेलना। बच्चों इस पाठ को छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न है,
कौरव पांडव किससे अस्त्र शस्त्र सीखने लगे। क्या है कि कौरव और पांडव किससे अस्त्र शस्त्र विद्या जो है वो सीखने लगे। उत्तर है कौरव और पांडव कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र सीखने लगे। दूसरा प्रश्न है दुर्योधन क्या प्रयत्न करता रहता था। उत्तर है दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। क्या है पाठ में कि दुर्योधन जो है हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था और भीम जो है वह इन पर शक्ति का प्रहार करता था और उनको परेशान किया करता था। तीसरा नंबर है भीम को मारने के लिए कौरवों ने क्या किया। भीम के भोजन में विष मिलाकर खिला दिया और उसके हाथ पर बांध कर गंगा में डुबो दिया। इस प्रकार इन्होंने भीम को मारने का प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न बच्चों पांडवों और कुंती की प्रसन्नता का क्या कारण था। उत्तर पांडवों और कुंती की प्रसन्नता का कारण भीम का लॉर्ड माना था। अगला प्रश्न है कुंती ने अपनी चिंता किसके सामने प्रकट की। उत्तर कुंती ने अपनी चिंता विदुर के सामने प्रकट की। छठा प्रश्न है भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर इससे दुर्योधन को आश्चर्य हुआ और उसकी ईर्ष्या की भावना बढ़ गई। तो जैसे ही वह देखता है दुर्योधन की भीम वापस आ गया है तो दुर्योधन की जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है कि वो कैसे ऐसे वापस आ गया, क्योंकि हमने तो उसे हाथ पर जो है वो बांध करके गंगा में डुबोया था फिर भी वो वापस आ गया। वो आश्चर्य भी था और उसके साथ ही उसके मन में और अधिक ईर्ष्या जो है वो बढ़। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज बाल महाभारत कथा के एक अंश को पढ़ा जिस अंश में जो है भीम के बारे में हमने पढ़ा और भीम जो है पांडु पुत्र जो पांच पांडव थे उनमें से एक पांडव था कुंती का पुत्र भी था वो भीम। भीम जो है वह विशालकाय शरीर था उसका और बहुत ही ताकतवर भी था। इसी कारण कौरव जो है उससे ईर्ष्या करते थे और कहते थे कि इसे हम पानी में डुबोकर मार डालेंगे और उन्होंने प्रयत्न भी किया। लेकिन काफी प्रयत्न के बाद में जब वो डुबो देते हैं भीम को और भीम जो है वो वापस चला आता है, इसे देख करके कुंती और उसके जो पुत्र हैं पांडव ये तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन कौरव जो है वो बहुत ही ईर्ष्या से भर जाते हैं और उन्हें आश्चर्य भी होता है कि हमने इसके हाथ पर बांध करके इसे डुबो दिया था फिर ये कैसे वापस आ गया। यह अंश हमने पढ़ा। अगले अंश में हम देखेंगे कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।